आज हम बात करने वाले हैं स्टैशफिन लोन एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे मुझे पूरे 15,000 रुपये की लिमिट मिली है। उसकी मैंने ईएमआई में कन्वर्ट करके मैंने ईएमआई भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसकी ईएमआई 2953 रुपये मिली है। अगर आपको स्टैशफिन लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या आप देख सकते हैं लिमिट 15,000 रुपये की मिली है, जो मैंने यूज कर रखी है लिमिट 7165 रुपये मैंने इसकी लिमिट यूज कर रखी है। और ये एप्लीकेशन सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पर वर्क करती है। 1,000 से लेकर 5,00,000 रुपये तक का लोन आप यहाँ आसानी से ले सकते हैं, और उस लिमिट को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से लिमिट प्रोवाइड होती है तो आप उसको, आपको यहाँ पे एक वर्चुअल और फिजिकल कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऊपर वर्चुअल कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं स्लाइड करूँगा तो मेरा फिजिकल कार्ड भी यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर आपको लिमिट मिलती है तो उस लिमिट को आप आसान ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी जो लिमिट है उसको आप बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं गेट फंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आएंगे, बैंक अकाउंट और अमेजोन पे। मुझे गेट मतलब बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। मैं बैंक अकाउंट पर क्लिक करके टेक मनी पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी लिमिट है 1,000 से लेकर पूरी 7500 रुपये की मेरी यहाँ पे लिमिट शो कर रहा है। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 7500 रुपये मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मेरे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको यहाँ पे लाइफ प्रूफ ही अप्लाई करके दिखा दूँगा। यहाँ पे नीचे लिखा है चॉइस यूअर ईएमआई प्लान। आप यहाँ से 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का यहाँ पे प्लान चूज़ करके अपनी लिमिट को इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा सिलेक्ट अमाउंट विल बी क्रेडिट इन यूर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको लाइव प्रूफ भी मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा। अगर आपको यहाँ से लिमिट नहीं मिलती तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हो सकता है कि मैं आपकी उसमें थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।